था, बच्चे खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और सब जगह से बातें आ रही थी, तो शैक्षणिक वातावरण बढ़िया बना रहे, इसके लिए सरकार ने पारा शिक्षकों के हित में फैसला लिया है। और जब से बहुमत की सरकार बनी है, लगातार सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्य किए हैं हम लोग मिल करके, आगे भी करते रहेंगे। बस उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप बच्चों को अच्छे से आगे बढ़ाए, उनके भविष्य की चिंता करके जो भी इतने दो महीने तक 61 दिन तक जो अवरुद्ध रहा, उसको पूरी तरह से मेकअप करने की कोशिश करें, मन लगा करके बच्चों को इतना समय दे करके। वो वार्ता के बातचीत के बाद जब हड़ताल को आपसे कितनी संतुष्टि या खुशी मिली आपको? देखिए, सरकार कभी दबाव टेंशन में नहीं रहती है, लेकिन हाँ, बच्चों के भविष्य की चिंता जरूर है। और बच्चों की चिंता के कारण हम चाह रहे हैं कि आपका लगा हुआ है, मतलब नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर हड़ताल होते हैं तो फिर हम लोग सकारात्मक सोच के साथ बात करेंगे, वरना फिर बच्चों के भविष्य को दांव से नहीं लगने देंगे, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता बच्चों को होना चाहिए। आपको ये ज्ञात होगा कि अंडा देने की प्रक्रिया हम लोगों ने ही शुरू किया था, और रेट बढ़ने के कारण कई जगह शिकायतें आ रही थी कि बच्चों को अंडा नहीं मिल रहा है। तो पहले जो 4 रुपया दिया जाता था एक अंडा के लिए प्रति अंडा करके, तो अब उसका 6 रुपया करके और 2 दिन करके अभी हम लोगों ने तय किया है, आगे 24 को बढ़ाने का। 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिला मदरसा शिक्षकों का, क्या कहेंगे? यूट्यूब चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।